हे गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम यू ऑल बैक टू माय चैनल ट्रैवल हाइप। आई एम योर होस्ट एंड दोस्त सौरभ। उम्मीद है आप सब लोग ठीक है, स्वस्थ है, अपने घर पे मजे कर रहे हैं। तो एक्चुअली आज हम लोग आए हैं मवत्तूर डैम। सेकंड लास्ट वीडियो में भी मैं वही आया था, मवत्तूर डैम। अगर आपने अभी तक वो वाला वीडियो चेक नहीं किया, मैं उसका लिंक कहीं पर तो डाल दूंगा, आप वहाँ से देख सकते हो। एक्चुअली वहाँ पर आए तो वहाँ पर इतना मस्त था ना मच्छी। तो मेरा जो दोस्त है प्रसन्नजीत और दीपांजन, उन लोगों ने देख के बोले कि चलो मच्छी पकड़ने के लिए वहीं पे चलेंगे। तो मैं भी चलो दो हफ्ते पहले आया था तो मुझे भी लगा कि हाँ अच्छा ही रहेगा। लेकिन भाई साहब, लास्ट 3-4 दिन से बेंगलोर में इतना बारिश हो रहा है ना, यहाँ पे आने के बाद अपना पूरा प्लान चौपट। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ पानी का हाल ना इस साइड से। तो ये तो हाल हो गया यहाँ का। यहाँ पे तो हमारा जो प्लान था मच्छी पकड़ना है और पिकनिक करना है, तो अभी यहाँ पे तो मच्छी पकड़ने का कोई सिचुएशन लग नहीं रहा है। लास्ट टाइम मैं एकदम उस साइड में जाके वहाँ पे भी इतना अच्छा पानी था, लेकिन भाई साहब 2 दिन से इतना बारिश हो रहा है, यहाँ पे कोई चांसेस नहीं है। बट हाँ, इस साइड से हम लोग नीचे जाएंगे, यहाँ से नीचे जाएंगे, नीचे जाके वहाँ पे मच्छी पकड़ेंगे। और हम लोग पिकनिक का भी अपना प्लान था ना, सुप्रिया भैया, उनका फैमिली, दीपांजन, सैकत, ऑलमोस्ट 7-8 लोग हम लोग आए एक साथ ना पिकनिक करने के लिए। तो हाँ, पहले चलते वहाँ पर, उन लोगों को थोड़ा सा सामान वामान समेट देते, वो लोग खाना बनाएंगे और हम लड़के लोग जाएंगे नीचे, वहाँ पे जाके देखेंगे, मच्छी भी पकड़ने के लिए कोशिश करेंगे और नहाएंगे वहाएँगे। अभी टाइम ऑलमोस्ट 2 बज गया ना, आते आते बहुत ही लेट हो चुका है अपने को। हाँ, आपको दिखाते हैं पहले पिकनिक का जगह, वहाँ पे अभी सब समेट रहे और उसके बाद चलेंगे हम लोग नीचे मच्छी पकड़ने के लिए। ये रहा अपना पिकनिक गैंग, हाय बोल दो। ये देख सकते हो सब लोग अभी पूरा बिजी हो गए। हाय मम्मा, हाय फ्रेंड्स। उनका उनका मूड नहीं है। यहाँ पे है अपना गैस वैस। तो अभी यहाँ पे इन लोगों को थोड़ा सा समेट देते, उसके बाद चलेंगे मच्छी पकड़ने के लिए। तो अभी यहाँ पे उन लोगों को पूरा ऐसे सब कुछ समेट दिया, अभी चलते हैं मच्छी पकड़ने के लिए। सैकत वैकत, दीपांजन, प्रसन्नजीत, वो सब पहले ही पहुँच चुके हैं उधर। टॉवल भी ले लिया उधर, अगर नहाने वाने का मन कर दिया तो वहीं पे नहा लेंगे। हाँ भाई साहब, यहाँ पे पानी का स्रोत देख सकते हो ना। एक सेकंड पहले आपको हम वो दिखा देते, वो तेरी।
हम लोग 2 वीक पहले बस आए थे, 3-4 दिन से इतना बारिश हो रहा है ना, इसका हालत खराब हो गया पूरा। कपड़े वपड़े भी पूरा चेंज कर लिए, अगर नहाना भी पड़ गया तो शॉर्ट्स पहन लिए। अभी चलते हैं मच्छी पकड़ने के लिए, देखते हैं। पता नहीं पानी का इतना स्रोत है, कितना मच्छी आएगा कि नहीं आएगा पता नहीं, कटा ट्राई करेंगे। और उधर सुप्रिया भैया है, नवनीता, मौसमी दी, वो सब वहीं पे है, वो लोग खाना वाना बनाएंगे। सुप्रिया भैया शायद चिकन बिठा के उसके बाद आ सकते हैं इधर। ओ हम तो चले मच्छी पकड़ने। मिला? हाँ 2-3 किलो मिल गया। 2-3 किलो मिल गया प्रसन्नजीत? मिला कुछ? 3 किलो। वो देखो वहाँ पे और एक है, उसके पास चलते हैं। वो मच्छी पकड़ रहा है, क्या कर रहा है? मच्छी पकड़ने के लिए आए थे, वो तो हुआ नहीं। पानी के इतना स्रोत है ना, 2-4 बार ऐसे ही डाले थे बट कोई फायदा नहीं हुआ, तो उसके बाद थोड़ा बहुत नहा लिए, बस उतना ही काम था। पानी का स्रोत देख सकते हो भाई साहब। अभी चलेंगे ऊपर, चिकन विकन रेडी है, अभी जाके खाना वाना खाते। टाइम हो रहा है 5, अभी खाने के बाद और 1 घंटा लगेगा खाना वाना कंप्लीट करने के बाद। 6 बजे यहाँ से निकलेंगे, 7:30 तक शायद हम लोग घर पहुँच जाएंगे। ओह आपसे मिलते हैं अभी एकदम जहाँ पे अपना खाना बन रहा है ना, वहाँ पे जाके। पूरा कपड़ा वपड़ा पूरा गीला है, आपसे मिलते हैं अभी डायरेक्ट वहाँ पे जाके। अभी चलेंगे
खाना वाना खाने के लिए। खाना एकदम पूरा रेडी। ये रहा चिकन, चिकन यहाँ पे राइस है। अच्छा यहाँ पे भी चिकन है, यहाँ पे भी चिकन है। ये देखो प्रसन्नजीत अपना जलवा दिखाते हुए। खाना खाते खाते ना ऐसे पूरा बारिश आ गया, तो जितना जल्दी हो सके दबा के खाना वाना खा लिए। खाना भी बहुत टेस्ट था। अभी थोड़ा बहुत बारिश भी हो रहा है। अभी चलेंगे वापस। अभी टाइम हो रहा है कुछ 5:30। जो चीज़ का प्लान था वो तो हुआ नहीं। मछली वछली पकड़ने के लिए प्लान था, लेकिन भाई साहब मतलब मैं बोल रहा हूँ ना, 2 वीक पहले जैसा पानी था, अभी 3-4 दिन से इतना बारिश हुआ, पानी का स्रोत भर गया। उस चक्कर में ना मछली पकड़ पाए ना ठीक से नहा पाए। मैं अपना लास्ट वाला जो वीडियो है वो ऊपर यही कहीं पे लिंक डाल दूंगा, आप देख सकते हो कि जस्ट 2 वीक पहले कैसा था और 2 वीक के बाद कैसा है। बट हाँ, आज का एक्सपीरियंस भी थोड़ा बहुत अलग ही था। पिकनिक विकनिक किए, थोड़ा सा पानी वानी में खेले। अभी अपने को लगेगा 1.5 आवर 2 आवर लगेगा बैंगलोर पहुँचने के लिए ना। आपको एक बार ये वाला व्यू दिखाते हैं भाई साहब। तो बस हाँ, आज का वीडियो यही तक है। जो लोग चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करके बताना कि कैसा लग रहा है, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना ना। तो फिर आपसे मिलते हैं अभी नेक्स्ट ब्लॉग पे, नेक्स्ट वीकेंड कोई दूसरी जगह पे, तो दूसरा कुछ एक्सप्लोर करते हैं। तब तक के लिए